तो जय श्री राम एक सभी एक बार वापस से सभी मेरे दोस्तों को जो भी हमारे साथ जुड़े हैं। तो गाइस होप सब के आप सब ठीक होंगे। वैसे तो कहीं ना कहीं ठीक नहीं होंगे क्योंकि पेपर आने वाला समय है गाइस, और सभी के दिमाग में कहीं ना कहीं टेंशन चल रही थी। हाँ, कुछ कारण की वजह से, कुछ ऐसे रीज़न या कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ या कुछ ऐसे पल मोमेंट्स हमारी ज़िंदगी में आ जाते हैं जिनकी वजह से कहीं ना कहीं बिजी हो जाए या फिर कुछ ना कुछ ऐसा हमारा लाइफ में छूट जाता है। या फिर भी अगर हम बात करें पेपर्स के, तो छूट भी नहीं जाए तो मतलब कुछ भी ऐसा मोमेंट हो तो फिर भी कहीं ना कहीं हमारा सिलेबस रह ही जाता है जितनी भी कोशिश करें गाइस। तो कोई बात नहीं, उसके लिए आप सबका भाई यहाँ पर बैठा हुआ है, जिन जिन आगे एक्सपीरियंस किया क्योंकि हमने पेपर दे चुके हैं। ठीक है, तो एक स्टूडेंट से का एक्सपीरियंस आप से ज़्यादा आपके लिए और बेहतर क्या ही हो सकता है। ओके, तो आज हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। सीधा सा बीपीएससी 132 की बात करने वाले हैं। कल हमने वीडियो बनाई थी बीपीएससी 131 के बारे में, तो गाइज प्लीज़ उसको भी जाके देख लीजिए, ज़रूरी ज़रूरी। ठीक है, तो कमेंट्स में मैंने आपको सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट की, ना कभी बिल्कुल सब्सक्राइब करने के लिए बोलो, ना लाइक करने के लिए बोलो, कभी नहीं। लेकिन कमेंट्स में इतना जरूर बता देना कि क्या जो मैंने क्वेश्चन सीरीज आपके लिए बनाई है, जो बनाई है, मेहनत की है, क्या वो सफल हुई है या नहीं हुई है। आपको बस वापस आकर कमेंट जरूर करके जाना है कि क्या ये क्वेश्चन आए थे या नहीं आए थे। क्योंकि देखो गाइज, जो भी मैं बता रहा हूँ ना, कि प्रीवियस क्वेश्चन से उठा के बना रहा हूँ या फिर ना कि किसी और की वीडियो देख के बना रहा हूँ या फिर कुछ किसी और से नोट्स नहीं लिए गए अपने आप के, क्योंकि एज अ मैं भी एज अ स्टूडेंट ऑफ इग्नू, जब मैं मेरा फर्स्ट ईयर था तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स, काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन आती थी गाइज। क्योंकि अगर हम बात करें बीपीएससी 132 की, तो ये थोड़ा सा आसान है बीपीएससी 131 से, लेकिन वो तो बड़ी ज़्यादा मुश्किल थी, बट ये भी इतनी आसान नहीं है। अप्रोचेज और पॉलिटिकल थ्योरी में हम फंस ज़्यादातर फंस जाते हैं, बाकी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो तो थोड़ा आसान होता है। ठीक है, तो जो मैंने अपने पर्सनली नोट्स बनाए थे, जो सबको छांट छांट के इतना टाइम लग के, एक घंटे घंटे में भी हमारा सर्च करता रहता था यार, गूगल पे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, कोई ऐसे साइड नहीं, वहाँ से बेस्ट बेस्ट नोट करके जो मुझे पूरा मतलब एनालाइज करके जो मैंने अपने लिए बनाए थे, और मेरा जितने भी मैंने ये लास्ट पेपर के लिए जो भी नोट्स बनाए थे, लेकिन जो कि उसमें मेरा 90% गाइज, 90 या 85 to 90% जो था वो मेरा सारा आया था, जो जो मैंने लिखा था गाइज। तो उसी उम्मीद के साथ बस आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जो जो प्रॉब्लम मैंने फेस किया, फिर जो जो कन्फ्यूज़न जब मुझे आया, मुझे बुरा लगा, जब मेरे टेंशन मुझे टेंशन हुई थी, वो टेंशन आपको ना आए, बस इतना ही मेरे इस चैनल का मोटिव है। ओके, तो दूसरे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए कि किया कीजिए, क्योंकि गाइस कभी किसी का भाई हो जाए या किसी के काम की वीडियो हो जाए तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। ओके, तो अगर आपने मेरी सीरीज देख ली तो मेरा दावा आपके 100% आपको मतलब कोई फेल तो कोई नहीं कर सकता। देखो, परसेंटेज की बात मैं नहीं करता क्योंकि उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, बट फेल फेल आपको कोई नहीं कर सकता गाइस, गारंटी है। जो मैंने क्वेश्चन बताया, अगर आपने सिर्फ वो सर रट के पी लिए, घोल के ना, आपको कोई फेल नहीं कर सकता। ओके, ये थी आज की इंट्रोडक्शन। तो आज चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर, सीधा सीधा बीपीएससी 132 के बारे में। ओके, तो सोच रहा हूँ मैं आपके साथ इसकी जो सीरीज़ है बीपीएससी 132 की, वो भी शेयर स्टार्ट कर ही दूँ। नहीं नहीं ये नहीं, क्योंकि क्वेश्चंस तो मैंने बता ही दिया, बट उसके आंसर किस तरह से लिखना है, किस तरह थोरेटिकली चलना है, वो भी ज़रूरी है गाइस। ओके, हर इंसान के अपने अपने टेक्निक्स होती है, अपने अपने थ्योरी होती है लिखने की, तो वो डिपेंड करता है कि आपको किसकी समझ आती है। ओके, तो बीपीएससी 132 आज एग्जामिनेशन सीरीज में डे सेकंड में आपका स्वागत है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर, क्वेश्चन की ओर। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है लिबरल अप्रोचेज टू स्टडी ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। क्वेश्चन ये पहला नंबर पे आया है, 101% ये क्वेश्चन आता ही आता है। और या फिर ये मार्क्सिस्ट अप्रोच टू द स्टडी ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, मतलब 100% जब पहला पे देखोगे ना आप, देखना इन दोनों में से एक क्वेश्चन 101% होगा, क्योंकि या तो ये कभी कभी एक दूसरे के लिए और आ जाते हैं, या तो ये इन दोनों में से एक तो आएगा ही आएगा, इसलिए इन दोनों को आपने मतलब घोल के पी जाना है। ओके, नेक्स्ट है एसेंशियल फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, शॉर्ट आंसर में कभी कभी आता है ये, ओके, बट इसके भी 70% चांसेस होते हैं, क्योंकि इस पर 200 वर्ड का लिखना पड़ता है। ठीक है, ये दोनों, ये जो पहले वाले क्वेश्चन है ये 500 वर्ड के हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, एक मिनट, क्या हो गया। ओके, हाँ, सो नेक्स्ट हमारा जो है ये देखो, ये ऑलमोस्ट लास्ट वाले चैप्टरों से क्वेश्चन आ रहा है। तो ये है लिमिटेशंस टू द ट्रेड यूनियन मूवमेंट। ओके, तो ट्रेड यूनियन मूवमेंट्स की क्या क्या लिमिटेशन रही थी उसके बारे में लिखना है। जुडिशियल रिव्यू, ये भी 70% आने के चांस होते हैं इस क्वेश्चन के, जुडिशियल रिव्यू के शॉर्ट आंसर में आता है। ओके, क्वेश्चन आवर ये कभी आया नहीं है, बट एक दो बार आया हुआ, इसलिए मैंने रख दिया हुआ कि नॉलेज के लिए भी, प्लस कभी आ जाए तो आपको धोखा नहीं खाओ, क्योंकि मैं ऐसी पूरी कोशिश करता हूँ कि कभी भी आ जाए तो धोखा नहीं खा जाए कोई बच्चा, उसके बाहर कुछ नहीं आना चाहिए, चाहे एक दो क्वेश्चन आपने एक्स्ट्रा भी याद क्यों नहीं कर लिया। ओके, डिफरेंस बिटवीन कास्ट एंड क्लास, ठीक है, इसके भी 50-50% लगभग चांस होते ही आने 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 ना आने के।
रिलेशनशिप बिटवीन जेंडर एंड डेवलपमेंट 100, इसका भी मैं 100% नहीं बोलूंगा, लेकिन क्योंकि देखो हर एक चैप्टर गाइस, देखो कोई कोई चैप्टर है ना उसमें से 2 या 3 क्वेश्चन आ ही जाते हैं, तो पता नहीं लगता कौन सा वाला। इसलिए जैसे जेंडर वाला क्वेश्चन हो गया, जस्टिस वाला हो गया, पार्टीज वाला हो गया, अप्रोचेज वाला, ये वाले चैप्टर हैं, ये बड़े काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, इनमें से एक या दो दो क्वेश्चन आ ही जाते हैं। ओके पर्सनली बात करूँ, मेरे टाइम तो जेंडर और डेवलपमेंट का वाला क्वेश्चन भी आया था, इसलिए आप इसको छोड़ेंगे नहीं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्राइब्स कभी कभी आता है, लेकिन आपको रिस्क नहीं लेना, इसलिए इसको भी 50-50% चांसेस हैं, इसलिए इसको भी करना। क्लासीफाई पॉलिटिकल पार्टीज, इसको सिर्फ आपने एक बार कंसेप्ट लेना, नज़र लेनी है। ओके तो अपने से भी लिख सकते हो आप इसको। पार्लियामेंट्री पावर्स टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन, इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी ओके सीरीज का, इसलिए इसके भी 99.9% चांसेज हैं आने के, कभी कभी रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट में नहीं आता है। ठीक है, प्रोसीजर ऑफ रिमूविंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप इसको भी 40% मैं 40% देता हूँ कि ये आ सकता है। ओके नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आया करेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, समटाइम्स आता है, इतना नहीं आता। क्वालिफिकेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस, ठीक है ये भी शॉर्ट आंसर में आता है। एंड रोल ऑफ कास्ट इन पॉलिटिक्स, देखो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी पे समटाइम्स आपको सिर्फ एक नोट लिखना पड़ता है, ठीक है 200 वर्ड्स का या 100 वर्ड्स का, तो इसलिए इसको भी बस कंसेप्ट लेके चलना है। क्वालिफिकेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ जजेज, मुझे लगता नहीं है ये आता है कभी कभी, लेकिन बस फिर भी आपको याद करना। रोल ऑफ कास्ट इन पॉलिटिक्स, ये इसके भी 50-60% चांसेज हैं आने के। ओके क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, नहीं आएगा ये, नहीं आएगा, बट फिर भी नहीं आएगा तो क्यों ऐड किया, क्योंकि आपको सिर्फ जो मैंने बोला नहीं आएगा उसका मतलब आपको सिर्फ वो पढ़ना है, उसका कंसेप्ट लेना है मेन क्या है, ताकि अगर आ भी जाए किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे तो आप अपने से भी लिख सकते हो। ओके फंडामेंटल राइट पे एक 200 नंबर का शॉर्ट आ भी आ सकता है और वेरी शॉर्ट भी आ सकता है 100 नंबर का, इसलिए फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटीज, देखो एक मिनट, देखो देखो गाइस, फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। ठीक है, एक तो फंडामेंटल राइट्स वाला चैप्टर है और एक है DPSP, ये दोनों चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं गाइस, इसलिए आपको इनको पकड़ के चलना है। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स पे भी आ जाता है एक, या वेरी शॉर्ट आता है या फिर शॉर्ट आता है। ठीक है, इसलिए हर पे आपने 200-300 वर्ड्स की जो तैयारी है, तो फंडामेंटल राइट वाला भी हो गया हमारा। अब नेक्स्ट कोर एलिमेंट ऑफ लिबरल अप्रोच, देखो पहले वाला क्वेश्चन भी आया था लिबरल वाले पे, ठीक है लिबरल अप्रोचेज पे, तो देखो कितना इंपॉर्टेंट है, दो बार रिपीट हो गया। ओके तो ये क्या है, ओरिजिन ऑफ गाइस, एक मिनट हाँ, DPSP एंड देयर ओरिजिन, मैंने आपको पहले बताया था DPSP क्या होती है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, हमने पहले भी पढ़ी ही नहीं है, ठीक है अपने चैप्टर में पढ़ी होती हैं। ठीक है, तो ये देखो अब DPSP इसका ओरिजिन प्लस इसकी जो 11 के 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं गाइस, वो आपको आर्टिकल नंबर 51 जो ए है वो पूरा का पूरा याद करना है गाइस, प्लीज़ इसको याद, प्लीज़ बोल रहा हूँ। देखो ओरिजिन नहीं आएगा तो उसकी एनरिचमेंट आएगी, तो देखो इसका टेक्निक क्या होती है, जब भी DPSP पे क्वेश्चन आए तो देखो यहाँ पर दो क्वेश्चन मिल ही जाते हैं और आपका नंबर अच्छे से बनता है। कैसे, देखो DPSP क्वेश्चन आया तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन लिखोगे, उसके बाद उसका ओरिजिन लिखोगे, उसके बाद थोड़ी एवोल्यूशन जो उसके अमेंडमेंट्स हैं वो लिखोगे, प्लस उसके बाद आप 11 के 11 फंडामेंटल ड्यूटीज लिखोगे। तो देखो आपका अगर शॉर्ट आंसर भी बना 200 क्वेश्चन का, तो फिर भी आपको 200 क्वेश्चन 200 वर्ड से प्लस चला जाएगा, तो हर एक हालात में आपका फायदा ही फायदा है, इसके लिए इस क्वेश्चन को पूरी तरह से याद करना है। ओके नेक्स्ट, ओके डिफरेंट बिटवीन लिबरल एंड मार्क्सिस्ट अप्रोच, देखो इस क्वेश्चन को मैं बोलता हूँ अगर आप छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो, लेकिन मैं चाहूँगा नहीं कि आप छोड़ो, क्योंकि हमारे टाइम पे एक क्वेश्चन आया था, लेकिन मैंने इसके लिए दूसरा वाला किया था, मैंने आपको बताया लिबरल वाला, तो या लिबरल कर लो या मार्क्सिस्ट कर लो, या फिर दोनों आता है एक आप बात है, बट मेरा एक बात सुनो, अगर देखो एक आता है लिबरल वाला, एक आता है मार्क्सिस्ट अप्रोच और एक आता है डिफरेंस। ठीक है, तो मैं बोलता हूँ आप लिबरल वाला 101% कर लो और एक ये वाला कर लो, तो मार्क्सिस्ट आया नहीं आया नहीं तो फिर या ये आएगा या फिर ये आएगा, क्योंकि और मैं इन तीनों में से अपने दो क्वेश्चन को पक्का कर लेने। गांधीयन अप्रोच 100 कोर एलिमेंट, थर्ड नंबर पे तीसरा क्वेश्चन आता है ये हमेशा, देखो दूसरा या तीसरे नंबर पे ये वाला क्वेश्चन आता है, लिस्ट द फंडामेंटल ड्यूटीज इन शॉर्ट कॉन्स्टिट्यूशन, देखो मैंने अभी बोला था फंडामेंटल ड्यूटीज और DPSP, ये हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन, सॉरी DPSP नहीं, जो मैंने पिछले अभी DPSP था, बड़ी गलती से हो गया, अच्छा DPSP के अंदर जो आर्टिकल नंबर 51 आता है ए फंडामेंटल ड्यूटीज का, वो आपको 11 के 11 याद रखनी है, सॉरी जल्दी जल्दी मैं आपको थोड़ा पीछे गलत बता दिया, चलो कोई नहीं। हाउ स्टेट प्ले रोल इन द कम्युनलिज्म, ये कम्युनलिज्म वाला चैप्टर है उसमें से आया हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मेन इशूज ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, ये आया 100% आपका क्वेश्चन निकलना, 100 में से या फिर भी या तो 90% तो ले ही लो। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन के आने के चांसेस हैं।
नेक्स्ट फीचर्स ऑफ पीजेंट मूवमेंट। पीजेंट मूवमेंट मैंने अपने टाइम पे तैयार किया था लेकिन आया नहीं था, लेकिन मैं आपको बोलूँगा कि क्योंकि एक साल छोड़ के एक साल आता ही आता है, इसको मैंने देख लिया वही क्वेश्चन, इसलिए मैं चाहूँगा कि आप याद कर लें। मैथड्स बाई विच कोर्ट प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट्स। ओके, कौन कौन से ऐसे मैथड है जिसके तौर पर जो कोर्ट है वो फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है गाइज, यहाँ पर हो रही है रिट्स की बात। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन डी पी एस पी हेल्प इन अचीविंग कॉन्स्टिट्यूशन गोल। तो डी पी एस पी जो हैं वो किस तरह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को गोल को कंप्लीट करने फुलफिल करने में अपना रोल निभाते हैं। तो डी पी एस के बारे में देखो, तीन क्वेश्चन आ गए अभी तक, तो इससे आपको पता लगता है कि वो चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है। पार्लियामेंट्री मेथड टू कंट्रोल एग्जीक्यूटिव, ये एक क्वेश्चन आएगा फिर भी 70% चांस है इसके। ओके, अब नोट लिखने हैं। नोट्स हैं 100 वर्ड्स के या 200 वर्ड्स के, कभी कभी आते हैं। देखो तो नोट लिखना, सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज पे, नक्सलबारी मूवमेंट एंड इट्स इंपैक्ट, ये भी 100, ये बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और पार्लियामेंट्री कमेटी पे भी नोट लिखना है आपने। तो जब देखो हर गाइज हर एक चैप्टर में से ना एक नोट्स बना लिया करो। नोट मतलब एक किसी भी क्वेश्चन पे एक अच्छी पकड़ बनाने को इस टॉपिक पे, तो कभी उस पर भी नोट आए तो आपको लिख सके। ठीक है ना। फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करें तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ पे भी आपने एक नोट लिखना है। ठीक है, गांधी पर्सपेक्टिव एंड द पोस्ट मॉडर्निज्म, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, तो इसके भी चांसेस होते ही हैं, लगभग ट्रेंडिंग में ही चल रहा है ये भी। ओके, डिस्कस कंपोजिशन ऑफ यूनियन लेजिस्लेचर, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एमरजेंसी पावर ऑफ प्रेजिडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। एंड एंटी सेक्युलरिज्म, ठीक है, ये भी फिर शॉर्ट शॉर्ट में आता है, 200 वर्ड्स का आता है। तो ये थी आज की वीडियो। होप सबकी आप सबका जो मकसद है वो पूरा हो गाइस। ये वाले सारे क्वेश्चंस का जो मैंने पूरी बुक में से छांट छांट के निकाले थे, इनके बाहर कुछ नहीं आएगा, बस यह बात याद में गाइस। तो उम्मीद करते हैं कि आप सबकी जो पेपर्स हों वो अच्छे जाएँ। बेस्ट ऑफ लक आप सभी को। और अगर जो भी आप सबके भाई ने जो इधर आपके मेहनत की है, अपने दोस्त मेहनत की है, तो अगर आपको सबको पसंद आए तो आगे शेयर कीजिए। बाकी सब्सक्राइब करना नहीं करना मैंने ना कभी परवाह मारी है, जो आपकी मर्जी है जैसे करना करो, क्योंकि मतलब बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है, मैंने इतना सोचा नहीं था। ठीक है, तो बस याद रखना कि चैनल के हमेशा सिर्फ एक ही एम है, एक ही मकसद है, आप लोगों की हेल्प करना, जो मुझे एक्सपीरियंस हो आपके साथ शेयर करना गाइस। ओके, तो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। अभी हमें पूरे 8 के 8 सब्जेक्ट्स की क्वेश्चन सीरीज आने वाला हूँ आपके लिए। ओके, अगर आप डिमांड करोगे कमेंट्स में तो फिर उसकी बिल्कुल नोट प्रॉपर नोट्स भी आपके साथ शेयर करके दूंगा, जो मैंने अपने टाइम पे बनाए थे। ओके गाइस, तो इसलिए मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तो कमेंट ज़रूर करके जाइए या क्या आप कहाँ से देख रहे हैं और क्या ये क्वेश्चंस पेपर में आए नहीं आए। थैंक यू एंड बाय बाय।